नाली वाला रक्त संबंध है पर दौड़ता जैसे रग रग में है, ना रिश्तों में ना नातों में, ना कस्मों में ना वादों में, एक दूजे से रहे बंधा मन के सच्चे इरादों में। तो समझे आप लोग ये रिश्ता कौन सा है? नहीं समझे? मैं बताता हूँ, इस रिश्ते का नाम है मित्रता। स्वार्थ भरी इस दुनिया में कोई कृष्ण सुदामा सा मित्र है, स्वार्थ भरी इस दुनिया में कोई कृष्ण सुदामा सा मित्र है, पल पल चलते एक दूजे को कागज के फूल में लगा इत्र है। था मित्र एक पांचाली का जहाँ पांच पति भी थे विचार, करो विचार चीर बढ़ाकर लाज बचाई सुनकर करम से पुकार। सुख दुख में जो साथ न छोड़े हर जख्म वह सहलाता है, बिन करे हर भाव जो समझे सच्चा मित्र वही कहलाता है, सच्चा मित्र वही कहलाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील। अगले प्रतियोगी 10th B से विश्वा मेवानी जो अशोक हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए अपनी कविता सुनाएं। मैं उन्हीं के चरणों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर माँ ममता जब कुंभलाती है, जब घटा दो अंधियारे में स्वातंत्र खड़ी अंकुलाती है, जब नाम पत्नी को पाई जाने का सदृश्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिख नाम की जगह शंगालों की आवाजें आती है, जब पर सवार घर लिया अपने हाथों में, जब तक शिष्य पर
बहुत सुंदर कविता विश्वा, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वयं रानी लक्ष्मी बाई को ख्वाब जो नींद में आए या वो जो नींद से जगाए, ख्वाब जो नींद में आए या वो जो नींद से जगाए, वो जो मंजिल दिखाए या वो जो वहां तक पहुंचने की मेहनत करे, ये ख्वाब ही तो है जो मकसद बताए और उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। धीरे इसलिए ख्वाबों से मत डरो, उन्हें पूरा करो। धीरो तो उठो, रुको तो चलो, ख्वाबों से मत डरो। जिंदगी की चढ़ाई में अगर गिरो तो हिम्मत करो और वापस चलो। आपके प्रयासों की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। अगले प्रतियोगी हमारे बीच है 9H से आयुष वर्मा। जब हिंदू पराजित हुआ, ये सुभाष हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं मंच पर आए और धन्यवाद।